Hello, students. Next topic is economics as a basis of social welfare. Economics has mainly concerned itself with welfare. What does it mean? It means that maximization of total satisfaction with the given scarce resources. This word, scarce, means limited.

एक इंडिविजुअल की बात हो रही है एक पर्सन की बात हो रही है सो इट इज अ टोटल सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड बाय अ पर्सन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज की कोई एक इंडिविजुअल है उसने कंज्यूम किया है क्या कोई भी गुड्स या सर्विसेज जो भी उसने कंज्यूम किए उन गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूम करने के बाद जो उसे टोटल सेटिस्फैक्शन डिराइव हुई है उसे हम कह रहे हैं इंडिविजुअल वेलफेयर वेलफेयर ऑफ एन इंडिविजुअल क्लियर एंड इन द सेम वे वट इज सोशल वेलफेयर सोशल वेलफेयर मीनस वेलफेयर ऑफ अ सोसाइटी ठीक है जब हम सारे इंडिविजुअल्स के वेलफेयर का टोटल करेंगे तो वो हो जाएगा सोशल वेलफेयर सोसाइटी का वेलफेयर इट इज अ टोटल सेटिस्फेक्शन ऑफ द सोसाइटी एज अ होल क्लियर सोशल वेलफेयर कैन बी डिफाइंड एज एन एग्रीगेट एग्रीगेट का मतलब क्या होता है एग्रीगेट मीन्स टोटल ठीक है सो सोशल वेलफेयर कैन बी डिफाइंड एज एन टोटल ऑफ द यूटिलिटीज यूटिलिटीज का मतलब सेटिसफेक्शन इट इज अ टोटल ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल इन द सोसाइटी मान लीजिए तीन इंडिविजुअल इन सोसायटी में देर आर थ्री इंडिविजुअल्स इन द सोसाइटी इंडिविजुअल ए इंडिविजुअल बी एंड इंडिविजुअल सी ओके individual a is getting a utility or a satisfaction of let's suppose 5 utils individual b is getting a utility or satisfaction of let's suppose 10 utils and individual c is getting a utility or satisfaction of let's suppose 5 utils यूटिलिटी को हम मेजर करते हैं यूटिल्स की टर्म्स में ठीक है तो ए को सेटिस्फेक्शन मिल रही है फाइव यूटिल्स की बी को सेटिस्फेक्शन मिल रही है टेन यूटिल्स की और सी को सेटिस्फेक्शन मिल रही है फाइव यूटिल्स की जब हम इन तीनों की सेटिस्फेक्शन का टोटल करेंगे विच इज ट्वेंटी जुटिल्स ट्वेंटी यूटिल्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इट इज रिप्रेजेंटिंग सोशल वेलफेयर वेलफेयर ऑफ अ सोसाइटी ओके इट इज रिप्रेजेंटिंग सोशल वेलफेयर और अगर मैं इसकी बात करूं ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिविजुअल वेलफेयर बिकॉज एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का जो है वो वेलफेयर शो कर रहा है इंडिविजुअल ए इंडिविजुअल बी एंड इंडिविजुअल सी सो दीज थ्री आर इंडिविजुअल वेलफेयर और जब इन सब इन सब का आप टोटल कर देंगे वी विल गेट सोशल वेलफेयर प्रोफेसर ग्राफ हैज गिवन थ्री कंसेप्ट ऑफ सोशल वेलफेयर तो प्रोफेसर ग्राफ ने थ्री कंसेप्ट दिए हैं सोशल वेलफेयर के फर्स्ट वन पैटर्नलिस्ट कंसेप्ट सेकेंड वन पैरेटियन कंसेप्ट एंड थर्ड वन बर्गसन सम्बलसन कंसेप्ट लेट सी वन बाय वन सो फर्स्ट वन इज पैटर्नलिस्ट कंसेप्ट पैटर्नलिस्ट कंसेप्ट According to this concept, the preferences of the individual members may be ignored, and the state state means government कह लीजिए and the state or a paternalist authority or a dictator uses his own ideas of social welfare. तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये इसमें वो ये कह रहा है कि एक जो paternalist authority होती है या जो एक dictator है या जो सरकार है, they use their own ideas of social welfare and they ignore they इग्नोर द प्रेफरेंसिस ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ द सोसाइटी के इंडिविजुअल उनकी प्रेफरेंसिस को इग्नोर कर दिया जाता है और वह जो गवर्नमेंट है वो जो डिक्टेटर हैलफेयर वो अपने आइडियाज को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं दिस कंसेप्ट नेक्स्ट वन वी है पैरिटियन कंसेप्ट तो सबसे पहले उस इकॉन्विस्ट का नाम कि किसने ये कंसेप्ट दिया है सो दिस कंसेप्ट इज यूज बाय विल्फ्रेडो पैरेटो ठीक है ये कंसेप्ट दिया है विल्फ्रेडो पैरेटो ने अकॉर्डिंग टू दिस of वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी इज सिंपली सम टोटल ऑफ द वेलफेयर ऑफ डिफरेंट comprising इट ये पॉइंट मैंने अभी जस्ट आपको एक्सप्लेन किया पैरेटिन concept भी यही कहता है कि अगर आपको सोसाइटी का वेलफेयर कैलकुलेट करना है तो आप कैसे करोगे इट इज बेसिकली सम टोटल ऑफ द वेलफेयर ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स है ना सोसायटी के अगर टोटल three इंडिविजुअल्स हैं ए बी एंड सी ए को वेलफेयर मिल रहा था five utils का बी को है ten utils और सी का वेलफेयर है utils. तो हमें अगर सोसाइटी का वेलफेयर कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे इस इन इंडिविजुअल वेलफेयर को हम प्लस करेंगे एंड द ट्वेंटी इज द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी ओके ऑफ एंड नॉन वर्स ऑफ सोशल वेलफेयर इंक्रीजेस ये पॉइंट भी बहुत सिंपल है अगर सोसाइटी में कुछ लोग जो हैं वो बेटर ऑफ हो रहे हैं ठीक है और कोई भी वर्स ऑफ नहीं हुआ है तो उस सिचुएशन में जो सोसाइटी का वेलफेयर है इट विल बी जिनकी जो सिचुएशन है अब वो और ज्यादा खराब हो गई है एंड नन बेटर ऑफ और किसी की और कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी सिचुएशन बेटर ऑफ हुई हो इन दैट सिचुएशन वेलफेयर विल भी डिक्रीज तो ये दोनों पॉइंट्स आई थिंक बहुत ही सिंपल पॉइंट है okay? If some people are made better off and none worse off, obviously social welfare will increase. And if some people are made worse off and none better off, then welfare will be decreased. Last concept we have Bergson-Semelson concept. Again, this concept was given by Bergson and Samelson. दे गेव अ कंसेप्ट ऑफ सोशल वेलफेयर फंक्शन नाउ वट इज सोशल वेलफेयर फंक्शन वट इज द रोल ऑफ सोशल वेलफेयर फंक्शनली रैंकस इंडिविजुअल्स इन द कम्युनिटी बहुत पॉइंट है देखिए सोशल वेलफेयर फंक्शन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एस डब्ल्यू एफ तो ये क्या बताता है ये बेसिकली सैटिस्फेक्शन लेवल बताता है ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ अ सोसाइटी इट इज अ फंक्शन ऑफ इट इज अ फंक्शन ऑफ

ये रैंक देता है सेटिसफैक्शन लेवल्स को ऑफ वेरियस इंडिविजुअल्स इन द कम्युनिटी फॉर एग्जांपल नाउ आई कैन इजीली से दैट द सेटिसफेक्शन लेवल ऑफ इंडिविजुअल ए इज ग्रेटर देन द सेटिसफेक्शन लेवल ऑफ इंडिविजुअल बी एंड दिस इज ग्रेटर देन सेटिसफेक्शन लेवल ऑफ इंडिविजुअल सी तो हमने ये रैंक प्रोवाइड कर दिया दिस इज वन दिस इज टू एंड दिस इज थ्री बिकॉज इंडिविजुअल ए इज गेटिंग द मैक्सिमम देन रैंक टू पे इंडिविजुअल बी एंड रैंक थ्री इंडिविजुअल सी दिस इज अ सोशल वेलफेयर फंक्शन ये मैंने आपको एक सिंपल टर्म्स में समझाने की कोशिश की है कि सोशल वेलफेयर फंक्शन एक्चुअल में है क्या वो क्या डिपिक्ट करने की कोशिश कर रहा है देअर फोर वन कैन जज वेदर सिचुएशन ऑफ वन पर्सन इज एन इंप्रूवमेंट ओवर द सिचुएशन ऑफ अनदर पर्सन तो उसमें आप ये भी देख सकते हैं कि क्या एक पर्सन की सिचुएशन इंप्रूवमेंट है ओवर द सिचुएशन ऑफ अनदर पर्सन फॉर एग्जाम्पल मैं अब यहाँ पे इजली कह सकता हूँ सिचुएशन ऑफ पर्सन ए is an improvement over the situation of person c because person a is getting a higher utility of 20 utils as compared to the utility of person c so yes situation of person a is an improvement over the situation of person c i hope the concept is clear okay thank you